महीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले बिग बॉस देख रहे हैं? हाँ मैं देख रही हूँ। ये टाइम पे मैं इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा दोस्त है उसमें शिव। सो मेन रीज़न मेरा बिग बॉस देखने का ये सीज़न इसीलिए बिकॉज ऑफ शिव। मैं सीरियसली आपको बोलूँ, मराठी और हिंदी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे सारे सेलेब्स थे एंड यहाँ पे अभी फ़िलहाल सारे सेलेब्स मतलब इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग है, परफॉर्मर है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स जो टेलीविजन के, हमेशा यूजुअली आपने सब टेलीविजन के एक्टर्स देखे, बट देन अभी हिंदी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। सो गेम टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज हिंदी इज़ मोर ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्सी बेस्ड एंड उसमें बहुत जल्दी लोग बोल देते एक दूसरे के बारे में, सोचते नहीं है कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। सो आई थिंक इट्स डिफरेंट, येट बहुत कुछ निकलना बाकी है ये बिग बॉस में। अभी तक तो सिर्फ बिग बॉस खुद कोशिश कर रहे हैं कि सबकी रियलिटी चेक निकाले, वो खुद कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ये बिग बॉस का गेम है एंड हमेशा कंटेस्टेंट्स के बीच में होता था, बट ये टाइम पे खुद बिग बॉस गेम खेल रहे हैं। सो येस, बिग बॉस इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ कि उनका रियल चेक क्या है, वो भी निकल रहे, वो भी देख रहे, बिकॉज टास्क बहुत कम हो रहे हैं, जितने टास्क होने चाहिए थे जैसे वो, बट अभी तक उन लोग के बोल जो चल रहे ना, वो बोल ही नहीं निकल पा रहे। तो आई थिंक इट्स गोइंग स्लो एंड स्टडी विंस द रेस काइंड ऑफ 2016 होगा। देखो मास्टर ऑफ माइंड तो बिग बॉस ही है, बिकॉज प्लेयर्स अभी तक बिग बॉस को भी समझ रहे कि उनका गेम कैसा चल रहा है। और अगर मास्टर माइंड आप बोलते हो, मास्टर माइंड वो होता है जिसका जो भी वो फेंकता है वो सही जगह पर लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सी, आप सिचुएशन क्रिएट करके कुछ कर रहे हो तो तुम कंटेंट दे रहे हो, आप किसी की जर्नी निकाल रहे हो या किसी का असलियत निकाल रहे हो। सो वो शिव काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा है बिकॉज वो इंसान को पढ़ता है और मुंह पर बोल देता है। वो ये नहीं वेट करता कि ये टाइम पे आएगा तो मैं बोलूँगा, वो टाइम पे आएगा तो मैं बोलूँगा, बट वो इंस्टेंट जवाब देता है एंड दैट्स वॉट लोगों को, क्योंकि अभी लोग शिव को लाइक भी कर रहे हैं कंटेस्टेंट्स इनसाइड बिकॉज उन्होंने देखा है, क्योंकि ही इज़ गेटिंग लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम द बिग बॉस बिकॉज ही इज़ द ओनली रियल फेस टिल नाउ। एंड आई थिंक करके कि आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू पुट इट अक्रॉस, सॉरी, बट मैं बोलूँ तो शिव खेल रहा है, रियल खेल रहा है और बाकी सारे लोगों को अभी तक पढ़ना बाकी है। लाइक शिव मजाक कर रहा है लव एंगल्स पे, सो वो एक इंसान मजाक का इंसान है, मैं उसको पर्सनली जानती हूँ। मैंने 2 महीने में बिग बॉस में रह चुकी हूँ। वो इज़ अ वेरी फन लविंग एंड लाइक वो जब उसको उंगली करोगे तो वो बहुत टेढ़ा फटेगा, बट जब तक उसको कोई उंगली नहीं कर रहा तो ही विल गो विद द फ्लो, ही विल इन्जॉय एवरी बिट एंड पीसेस। अगर किसी का चल भी रहा है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसको अगर ऐसा लगता है करके कि उधर टिकने के लिए तुम्हें रिलेशन ही बनाना पड़ेगा, वो मुझे नहीं लगता है। बिकॉज मैंने उसको मराठी में भी देखा था कि वो अकेला ही खेल रहा था एंड पीपल वर लाइक इट, क्योंकि मैं जब वाइल्ड कार्ड गई थी मुझे भी वो इंसान अच्छा लगा था बिकॉज वो इंसान सच्चा था। सो आई थिंक वही वो सोच कर वो खेलना चाहिए, बिकॉज जाने से पहले मुझे पता नहीं था कि वो जा रहा है और मैंने उसको जब देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली आपको नहीं बोलते घर के, आप नहीं बोल सकते हो सबको, क्योंकि तो उसका क्या इंटेंशन के हिसाब से जा रहा है, बट जो अभी मुझे दिख रहा है वो एक्चुअली नॉर्मल शिव है, जो नॉर्मल लाइफ में लोगों के साथ रहता है वो सबके साथ अच्छा है, वो कभी किसी के साथ बिगाड़ता नहीं है जब तक कोई सामने वाला उंगली नहीं करता। और बाकी तो बस जैसा शिव है आई एम एंजॉइंग हिम, मैं ये बोल सकती हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। शिव हैज़ ऑलवेज बीन द पर्सन, मैंने बोला ना आपको अभी करके, वो मस्ती करने में ये सब करने में सोचता नहीं है, वो ये नहीं सोचता करके मैं ये करूँगा तो बाहर गंदा दिखेगा, नहीं, वो उसके मजे के लिए, बिकॉज आपको 24 घंटा वो घर पर निकालना है, आपको वही लोगों के बारे में बात करनी है, आपको बाहर के बारे में कुछ अता पता नहीं है एंड यू हैव टू ड्वेल इन टू इट। और अब्दू इज़ अ छिचोरा बंदा, वो छिचोरा है टू बी वेरी फ्रैंक, वो सबके साथ फन लविंग है, वो सबके साथ अपस्ट्रेट है, और जो उसको बोलते करके कि वो बच्चा है वो बच्चा नहीं है, वो डेढ़ छाना। सो अगर वो कर भी रहा है और कंटेंट भी दे रहा है तो इट्स अ फैन, इट्स एक्सेप्टेबल, बिकॉज
वो जो दिखा रहे हैं वो लोग वही बता रहे हैं, वो लोग कुछ अलग तो नहीं कर रहे. सो आई एम एंजॉइंग देम बोथ डूइंग वट एवर फन इज हैपनिंग. बिकॉज वो घर में ना ज़्यादा नकली फेक ये सारी बातें सुन सुन कर ना बोरिंग हो जाता है वो एक डेढ़ घंटा देखना. सो ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लोग करते हैं वो फन लविंग हो जाता है.